जनपद हापुड़ में वायु प्रदूषण बढ़ने से जनजीवन पर असर देखने को मिल रहा है। जनपद में AQI 367 नोट की गई और इसी के साथ ही PM 10 453 नोट की गई है, जो कि जनपद की जनता के लिए खतरनाक साबित हो रही है। और AQI बढ़ने से सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को आंखों में जलन, पानी निकलना और सांस लेने में दिक्कत जैसी बीमारियां हो रही है। इसी के साथ ही सड़कों पर चल रहे यात्रियों को भी वायु में फैले प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। बात सरकारी अस्पतालों में मरीजों की करें तो वायु में प्रदूषण बढ़ने के कारण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हापुड़ के गढ़ रोड पर स्थित सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की माने तो आज मरीजों की संख्या करीब 60 से 70 देखने को मिल रही है, जो कि प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हापुड़ में AQI के बढ़ने के कारण संख्या बढ़ी है। इसके साथ ही सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या भी बढ़ रही है और आने वाले समय की माने तो दीपावली बाद प्रदूषण के बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। मेरा नाम सलमान राणा है और मैं पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग करता हूँ। जो वातावरण में पॉल्यूशन होता है उसको ना हम लोग मेजर करके रिपोर्ट बनाते हैं कि आज हमारे हापुड़ की AQI क्या है। तो AQI जो होती है वो तब बनेगी तब हम, ये हमारे कई सारे एनालाइज़र हैं, तब हम इनमें डेटा मेंशन करेंगे और रिपोर्ट बनाएंगे, तब हमारी AQI अपडेट होती है। और AQI अपडेट जो होती है उसमें 0 से 50 तक के लिए गुड होता है, जो हम ग्रीन सिग्नल अपनी डिस्प्ले पे शो करते हैं, और 51 से 100 के बीच में सेटिस्फैक्ट्री होता है, जो हम सेटिस्फैक्ट्री लिख के और लाइट ग्रीन कलर के साथ शो करेंगे। 101 और 200 के बीच में मॉडरेट होती है, जिसे हम येलो कलर में शो करते हैं। 200 और 300 के बीच में पुअर हो जाती है, यानी कि एक डेंजर जोन में चली जाती है जब AQI 200 या 300 के बीच में पहुंच जाती है। और मैं आपको बताऊं, अगर 300 भी क्रॉस हो जाए, यानी कि 300 और 400 के बीच में अगर AQI पहुंच जाती है तो वो वेरी पुअर हो जाती है, जिससे बॉडी ह्यूमन को बहुत ज़्यादा हानि पहुँच सकती है। हवा में AQI बढ़ जाने की वजह से धुंध तो बढ़ी गई है और सांसों में बड़ी कठिनाई आ रही है, आँखों में जलन ज़्यादा हो रही है, आँखों को पूरी तरह से खोल नहीं पा रहे हैं, बहुत जलन महसूस हो रही है। हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।